हेलो फ्रेंड्स, वन उत्पादकता संस्थान यानी वन विभाग की तरफ से ये वैकेंसी आया हुआ है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा नीचे स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे वीडियो को देखिए लास्ट तक कि क्या क्या वैकेंसी है, कितने वैकेंसी है, कितना सैलरी है। दोस्तों ये जो वैकेंसी दोस्तों आया है ये झारखंड की तरफ से आया है और ये बिल्कुल परमानेंट है पूरी तरह से। देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, सीरियल नंबर वन पहला जो है स्टोर कीपर, जो कि ये सेवन्थ पे के द्वारा मिलेगा आपको स्केल पर। आपको ये नंबर ऑफ पोस्ट एक है जो कि अनरिजर्व में आता है, दूसरा फॉरेस्टर है, ये देख लीजिए सब सेवन्थ पे मिलेगा आपको। एलडीसी है, ड्राइवर है, फॉरेस्ट गार्ड है, एमटीएस है। दोस्तों ये टोटल पोस्ट जो है 13 है आपका, आपका अनरिजर्व में 8 है और ओबीसी में 3 है और एससी में 2 है। ये स्टाफ मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, ये पोस्ट हो गया और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इसमें भर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो है 10वीं और 12वीं के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें यहाँ देख रहे हैं आप डिटेल्स ऑफ पोस्ट एज एंड एलिजिबिलिटी। चलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको एक एक करके। पहला तो है ये है स्टोर कीपर, इसका जो आप देख लीजिए इसका स्केल पे है 21,700 से 69,100 रुपये है। और आपका जो एजुकेशनल और जो क्वालिफिकेशन अदर है ये है, आपको 12 पास होना जरूरी है कोई भी रिकोगनाइज बोर्ड से, और जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और 27 साल होना चाहिए मैक्सिमम। और अगर आप छूट चाहते हैं 5 साल तो आपको वो होना चाहिए एससी एसटी में, और ओबीसी के लिए 3 साल है। और यहाँ देख रहे हैं फॉरेस्टर दूसरा नंबर पे, उसके लिए भी 12 पास होना जरूरी है और सेम है मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 27 साल है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तो आपको छूट मिल जाएगा आपको एज में। उसके बाद देख रहे हैं 3 नंबर पर, यह है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी, इसका भी जो देख रहे हैं यहाँ पर सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये है। और इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये 12 पास मांगा गया है, लेकिन साथ में है जो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको टाइपिंग स्पीड आना चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में, यही दिखा रहा है आपका मैनुअल टाइपराइटर में अगर वो लेगा तो, या अगर आपका टाइपराइटर अगर कंप्यूटर में लेगा तो इंग्लिश में होना चाहिए 35 वर्ड्स में और हिंदी में होना चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट, ये कंप्यूटर के लिए है। और एज भी आपका सेम है उसी तरह से, वही नियम है। और ड्राइवर के लिए दोस्तों यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक मांगा गया है, और आपको जो है प्रोफेशनल ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्या एलएमबी एंड एचएमबी दोनों यहाँ पर लिखा गया है होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस जो है ड्राइविंग का होना चाहिए मोटर कार ऑफ 3 ईयर्स ऑफ मोर, 3 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। यहाँ आपको जो दिखा रहे हैं यहाँ पर डिजिटेबल यानी ये इच्छित है, अगर है ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव मैनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल, आपको थोड़ा मोड़ा काम करना आना चाहिए कुछ भी खराब हो जाए तो, ये कोई जरूरी नहीं है। आपका एज सेम है, जो ऊपर नियम है वही चीज़ है। अब आगे चलते हैं, देख रहे हैं 5 नंबर पे, यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड, उसका जो है 18,000 सैलरी है शुरू है और आपका 56,900 तक है। इसका भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th पास मांगा गया है और सर्टिफिकेट इन फायर फाइटिंग में होना चाहिए, ये सेम चीज़। और आपको यहाँ डिजिटेबल है होम गार्ड ट्रेनिंग क्या होना चाहिए इच्छित है, अगर है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए, सेम एज है उसका भी। और 6 नंबर पे है मल्टी टास्किंग स्टाफ, ये भी आपको जो है 18,000 सैलरी शुरू है और 56,900 से है, इसमें भी 10th पास मांगा गया है और डिजिटेबल में 3 ईयर्स और मोर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी आपको 3 साल या उससे ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है अगर इसमें, कहीं कोई किसी ऑफिस में काम किया तो आपको उसमें छूट मिलेगा। और एज का इसमें भी सेम प्रावधान है। चलिए आप चलते हैं आगे, यह है जनरल इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर मैं पूरा बताऊँगा तो आपको टाइम लग जाएगा, मैं आपको मेन मेन टॉपिक बता रहा हूँ आपको। दोस्तों आप जो फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद आपको इनवेलप के सबसे ऊपर में ये लिखना एकदम बेहद ही जरूरी है, वरना आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, द इनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन, यानी आपको लिखना है ऊपर में क्या, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, जो मैंने ऊपर में पोस्ट बताया 6 पोस्ट, उसमें जिसके लिए भर रहे हैं ड्राइवर फॉरेस्ट गार्ड, जिसके लिए भर रहे हैं आप एमटीएस एलडीसी, यहाँ पर आपको नाम लिखना है ये चीज़ लिख के, तभी आपको जो है वो फॉर्म एक्सेप्ट होगा, वरना ये आपको छाँट देगा शुरू में ही, इसी का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म के लिए, तो आपको प्रॉपर चैनल से आपको जो सिंपल डाक से भेजना है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है।
और दोस्तों एक मेन बात यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा देना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी मेथड यहाँ पर नहीं चलेगा ऑनलाइन बैंकिंग का, सिर्फ आपको डिमांड ड्राफ्ट से ही लगेगा 300 रुपये का, और जो आपका जनरल है, ओबीसी है और जो एसटी है, तीनों को लगेगा 300 रुपया। और यहाँ देख रहे हैं आपको, यहाँ जो एससी और जो वोमेन कैंडिडेट्स हैं लेडीज, उनके लिए ये बिल्कुल छूट है, उनको पैसा नहीं लगेगा। और ये आपको किसके नाम से बनेगा, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाकर ये बनाइए, और किसके फेवर में, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी पेबल एट रांची, इसके नाम से बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, इसको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ 8 नंबर में आपको, एप्लीकेशन विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन ड्यू टू रीजन सच एज, यानी आपका ये जो पॉइंट दिया गया 10 पॉइंट, ये पॉइंट अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो है रिजेक्शन का कारण बनेगा, आपको जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा फटाफट अपना, तभी आपको जो है शॉर्टलिस्ट होगा। देखिए यहाँ दिखा रहा है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल द पोस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर रिटन एग्जामिनेशन सेपरेटली। अगर आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको भेजा जाएगा। और देख रहे हैं आप, द सर्कुलर डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी आपको जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म आपको कहाँ भेजना है, चलिए बता रहे हैं आपको, इंटरेस्टेड कैंडिडेट इन एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशन, कहाँ भेजना है आपको, देखिए ये पता है, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए आप, द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी लाल गुटवा NH 23 गुमला रोड रांची 83530 3, झारखंड। ये आपको भेजना है कब तक, 15 अक्टूबर 2018 से पहले तक। और दोस्तों बता दूँ आपको, अगर जो कैंडिडेट असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति, जो ये सब के हैं, पंजी वगैरह के हैं, है ना, डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड हिमाचल प्रदेश एंड एन आइसलैंड लक्षद्वीप वगैरह के हैं, तो उसको 2 नवंबर तक टाइम मिलेगा, सिर्फ इसके लिए स्पेशल है, बाकी सबके लिए 15 अक्टूबर है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा इसमें। ये आपका जो है उसके लिए आप सबके लिए आपको रिटर्न एग्जाम होगा। और आगे दिखा रहा हूँ आपको कि जो ड्राइवर का पोस्ट है उसके लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, और जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए, दोनों के लिए क्या क्या है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, जो मेन है उसके लिए आपको 4 घंटा में चलना है 25 किलोमीटर, और आपका हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और चेस्ट होना चाहिए 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, यानी बिना फैलाए हुए, और फैला के होना चाहिए आपको 84 सेंटीमीटर। और जो वोमेन है उसको 4 घंटा में चलना है 14 किलोमीटर, और उसका जो मिनिमम हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 150 सेंटीमीटर, और चेस्ट होना चाहिए 74 बिना फैलाए हुए सेंटीमीटर, और 79 होना चाहिए फैलाकर। और आपका जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए मेन के लिए चाहिए 4 घंटा में 25 किलोमीटर, और मिनिमम जो हाइट है वो चाहिए 165 सेंटीमीटर, और 79 चाहिए आपको बिना फैलाए हुए चेस्ट, और 79 से चाहिए आपको फैलाकर। वोमेन का भी है सेम जो ऊपर उसी तरह से है, देख लीजिए यहाँ पर आपको इस तरह से है, ये आपको यह फॉर्मेट है, जो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर आप डाल रहे हैं तो यहाँ से आप इसे फॉर्मेट दे के आप भर सकते हैं। ये देखिए यहाँ आपका एससी एसटी का ये फॉर्मेट है, इसको आपको देना पड़ेगा अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो, यहाँ पर फॉर्म भर के यहाँ पर जो आपका यहाँ पर साइन करके देना है आपको, जो भी आपका ऑफिसर है वहाँ से। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ओबीसी में आते हैं तो आपको ये फॉर्म देना पड़ेगा, यानी सारा फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन करा के देना पड़ेगा मोहर के साथ, ये रहा। और दोस्तों सबसे मेन पॉइंट ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें भी आपको फॉर्म भरना है ऑफलाइन, ये फॉर्म आप आसानी से भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और फॉर्म भर के सारा डॉक्यूमेंट के साथ आपको अपना सेल्फ एड्रेस करके देना है, देख रहे हैं आप फोटो में दिखा रहा है आपको, एफिक्स सेल्फ रजिस्टर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और जितने भी डॉक्यूमेंट देंगे साथ में आप फॉर्म के साथ भर के आपको खुद का देना है सेल्फ एड्रेस साइन करके। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो हमें आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने का। और दोस्तों अगर आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत होती है
तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं एक वीडियो बनाकर दोबारा लाऊंगा, एक फॉर्म को भरकर आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कोई दिक्कत हो। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।